आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर टीडी मोटिवेशन देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में एक स्टोरी हम आपको बताएंगे। एक ऐसी माँ जिसने एक छोटी सी नौकरी कर बेटे को बना दिया ऑफिसर। पिता ने मरते समय कहा था कि बेटे को अफसर बनाने के लिए मकान बेच देना, लेकिन माँ ने अपने लाडले को अफसर बनाने के लिए दवाई दुकान में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की और पैसे जुटाकर मंजिल तक पहुंचाया। कहानी छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव जिले के डोगर गांव में पदस्थ एक प्रशिक्षु आईपीएस मयंक गुर्जर की है। दरअसल 2020 बैच के आईपीएस मयंक मध्य प्रदेश के हरदा जिले के खिलकियां तहसील के डेढ़ गांव निवासी हैं। उनका आईपीएस बनने का सफर आसान नहीं था। साल 2014 में 12वीं की वार्षिक परीक्षा में महज 7 दिन पहले पिता गोविंद गुर्जर का निधन हो गया। वे इंदौर में एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट थे। मयंक की माता प्रेमलता गुर्जर ने हार नहीं मानी। मयंक को पढ़ाने के लिए प्रेमलता ने इंदौर के दवा बाजार में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर दिया, जहां शिक्षा और घर चलाने के लिए पैसे जुटाकर बेटे को मंजिल तक पहुंचाया। नई दुनिया से चर्चा करते हुए प्रेमलता ने बताया कि मयंक के पिता ने आखिरी क्षणों में कहा कि मयंक का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई को रोकना मत, क्यों ना घर ही बिक जाए, मयंक को एक अफसर के रूप में देखना चाहता हूं। ठीक उसी दिन से ठान लिया कि मयंक को उच्च शिक्षा दिलाकर रहेंगे। मयंक ने भी माता पिता के सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत की। अंततः यूपीएससी में पहले ही प्रयास में 455वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बन गया। मयंक ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2015 में मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में चयन होकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग में पूरी की। इस दौरान मयंक ने कॉलेज की लाइब्रेरी में 5 से 7 घंटे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की, दोस्तों से दूरी बढ़ाई, वहीं खुद कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाकर केमिस्ट्री के एक पेपर की स्वयं ट्यूशन ली और आज वो एक सफल अधिकारी है। तो इस तरह की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।